लगी क्षेत्र की रहने वाली महिला सफाई मजदूर ने ग्राम प्रधान पर बिना सूचना दिए उसको सफाई कर्मचारी पद से हटाने का आरोप लगाया है। पीड़िता सफाई मजदूर महिला ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची इस महिला का नाम रामा देवी, पत्नी पवन वाल्मीकि, जो कि विकास खंड जागीर क्षेत्र की रहने वाली है। महिला राज्य महिला स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई है। यहां इस महिला ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उसने बताया है कि ग्राम पंचायत उमरी में वह महिला सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात थी, जिसको ग्राम प्रधान द्वारा बिना जानकारी दिए ही हटा दिया गया और दूसरी महिला कमलेश कुमारी को अवैध रूप से नियुक्त कर दिया गया। पीड़ित महिला सफाई कर्मचारी द्वारा जिलाधिकारी से पूरे मामले की जांच कराकर दूसरी प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने और दोबारा से नियुक्त किए जाने की गुहार लगाई है। डीएम साहब से मिलने आए, क्या समस्या है, पूरा मामला बताओ। मिलने आए कि मैं काम करती थी शौचालय में, मैं काम करती थी, मुझे हटा के कोई दूसरी महिला को लगा दिया। अब वो सुन नहीं रही, वो कह रही मैं नहीं हटूंगी, मैंने पैसा खर्च किया, मैं बजा दौड़ी की, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। किन लोगों ने लगा दिया? प्रधान ने और सिगरेट से मिलके उसने लगवा लिया और समूह वाले से दस्तखत करवा लिए, मैं समूह में जुड़ी। अच्छा, तो वहाँ जगह निकली हुई थी? हाँ, जगह निकली थी समूह में। प्रधान ने हटवा दिया? प्रधान ने हटवा दिया, प्रधान के सेक्रेटरी के और दस्तखत हुए उन लोगों के। तो आपने प्रधान से कहा था? हाँ, वो सुनते ही नहीं, कोई बोल के हो रही है, कहते हमें वोट नहीं दिया, हम काम नहीं लगवाएंगे।